Right, friends. So now we are starting your part two. Part two is your decision making. Decision making means application of limiting factor in decision making. Application of limiting factor in decision making. And this is your page number 5.36 से हम लोग start कर रहे हैं. Page number 5.36. पार्ट टू डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग और पेज नंबर है आपका 5.36. तो 5.36 पे मैंने आपको स्टेप्स दिए हुए हैं. देखिए जरा ना फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम. क्या क्या आपको स्टेप्स दिए हैं. स्टेप नंबर वन, स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन. पहला है आपका स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आर रैंक फॉर प्रोडक्शन. स्टेप टू है स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. स्टेप नंबर थ्री, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो सबसे पहला मैं आपको लेके चलता हूं एंड थोड़ा सा आप जरा समझिए. दिस इज योर, आपके सामने एक सिचुएशन लेता हूं फ्रेंड्स. दिस इज योर केस स्टडी वन. पहला केस स्टडी आपके सामने लेके चलता हूं फ्रेंड्स. व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर. व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू, व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू, देन हाउ टू टेक द डिसीजन. व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू, देन हाउ टू टेक द डिसीजन. डिसीजन मेकिंग में आपको क्या लेना है. डिसीजन मेकिंग में व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू, सपोज आपको दो ग्रुप देने, राइट. आपको एग्जाम में दो ग्रुप देने हैं, योर ग्रुप वन एंड योर ग्रुप टू. मैंने आपको 4 मंथ्स का लीव चाहिए दोनों ग्रुप के लिए. पढ़ने के लिए आपको 4 मंथ्स का लीव चाहिए. अगर आपको दो ग्रुप देने हैं, दो ग्रुप के लिए ग्रुप वन एंड ग्रुप टू, और आपको 4 मंथ्स का लीव चाहिए. आपको टोटल 4 मंथ्स का लीव चाहिए बराबर. और आपको ग्रुप वन और आपको ग्रुप टू देना है. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू आपको देना है और आपको 4 मंथ्स का लीव चाहिए करके ना. 4 मंथ्स का आपको लीव चाहिए. आपका बॉस बोलता है कि नहीं, मैं तो आपको 2.5 मंथ्स का ही लीव दूंगा. और आपको प्रिपेयर करने के लिए लाइक ग्रुप वन ग्रुप टू, आपको प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम चाहिए. 4. सो आपको चाहिए 4 मंथ्स, आपको मिल रहा है ओनली 2.5. इसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर. तो आप ये 2.5 मंथ्स को किस तरह से यूज करेंगे. आपको लगता है 2 मंथ्स में मेरा ग्रुप हो जाएगा लेकिन 0.5 मेरे पास बैलेंस बचेगा, तो आप क्या करिए, 5 पेपर लिख दीजिए करके. ओके, आप 5 पेपर लिख लीजिए. आप ग्रुप वन लिख लीजिए और आप कॉस्टिंग लिख लीजिए बराबर. बाकी 3 पेपर में जाके आपको बैठना है. प्रेजेंट जरूरी है, 0 मार्क्स आए तो भी चलेगा लेकिन आपको प्रेजेंट जरूरी है. तो 3 पेपर आप प्रिपेयर मत करो, जाके बैठ जाओ. 1 पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कॉस्टिंग एग्जम्पशन का ट्राई करो, ग्रुप वन कर लो. क्योंकि आपको इस तरह से प्लान बनाना है. अब अपने को यहां पे क्या है, प्लान बनाना पड़ेगा कि किस तरह से मैं प्लान बनाऊं टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. कि मेरा ग्रुप वन बहुत अच्छे से कर लेता हूं और ग्रुप टू में एक सब्जेक्ट जो 0.5 मंथ्स में हो जाएगा कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में एग्जम्पशन ले आता हूं और मेरा ग्रुप वन प्रॉपरली कर लेता हूं, मेरा काम हो जाएगा. सो यस नो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग और नॉट फॉलोइंग, परफेक्टली क्लियर हो नॉट, बताइए. बोलो. तो इसी में मैंने आपको बनाया है. दिस इज योर केस स्टडी वन. दिस इज योर केस स्टडी वन. क्या बोल रहा है. देर आर टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड बी. सेलिंग प्राइस 100 एंड 100. वेरिएबल प्राइस पर यूनिट 60 एंड 40. कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40 एंड 60. अपने पास 2 प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स. ये आपके पास है केस स्टडी एंड दिस इज ऑल गिवन इंफॉर्मेशन. प्रोडक्ट्स ए एंड बी. देन योर सेलिंग प्राइस इज 100 एंड 100. योर वेरिएबल प्राइस इज 60 एंड 40.
So your contribution per unit will be 40 and 60. क्या आपको बोल रहा है फ्रेंड्स? प्रोडक्ट्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस योर वेरिएबल प्राइस एंड योर कंट्रीब्यूशन. प्रोडक्ट्स ए एंड बी, सेलिंग प्राइस 100 एंड 100, वेरिएबल प्राइस 60 40, कंट्रीब्यूशन 40 एंड 60, राइट. अगर अपने पास कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे बी, बिकॉज बी इज गिविंग यू द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन. B is giving you the maximum contribution. B आपको क्या दे रहा है? Maximum contribution. Okay? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि suppose maximum hours available to you, maximum hours available to you is a 20,000, और इसी को हम क्या बोलेंगे? limiting and factor. 20,000 आवर्स आपके पास अवेलेबल है, इसी को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर. और एक यूनिट अब अपने को आवर्स लगते हैं पर यूनिट बनाने में, अपने को आवर्स लगते हैं पर यूनिट बनाने में 2, और आवर्स पर यूनिट बनाने में आपको लगते हैं 4, बराबर. अब आप कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? देखो आपके पास कितना है, 20,000 आवर्स है. अब 20,000 में अगर आप ए बनाते हो और आपको बी बनाना है, अब ऐसे तो अपना बी आ रहा था क्योंकि बी अपने को क्या दे रहा था? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अगर अपने पास कुछ नहीं है तो हम किस में जाएंगे? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. हम किस में जाएंगे? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. लेकिन सपोज अगर आपके पास 20,000 आवर्स अवेलेबल है, सपोज अगर आपको 20,000 आवर्स अवेलेबल है, एक यूनिट अगर अपन एक ही बनाते तो 2 आवर्स लगते हैं. इसका मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 2 आपकी कितनी यूनिट्स बनेंगी? आपकी 10,000 यूनिट्स बनेंगी. और एक का कंट्रीब्यूशन है 40 रुपीज, आपको एक के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 4 लाख. अगर आप बी बनाते हो तो 20,000 आवर्स हैं, एक को बनाने में 4, आपकी 5,000 यूनिट्स बनेंगी इंटू 60 एंड दिस कम्स टू 3 लाख रुपीज. इसका मतलब आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस में आ रहा है? ए में आ रहा है, बिकॉज ए इज गिविंग यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ 4 लाख और बी इज गिविंग यू द कंट्रीब्यूशन 3 लाख. इसका मतलब व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू, जब आपके पास कोई भी चीज लिमिटेड है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? तो आपको लेना पड़ेगा डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पर आर. तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर यहां पर आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर आपका यहां पे आएगा 20 रुपीज, और आपका कंट्रीब्यूशन पर आर यहां पे आएगा 50. तो पहले हम बनाएंगे ए और फिर हम बनाएंगे बी. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये मैंने सब आपको प्रिंटेड करके दे रखा है तो आप जरा ध्यान दीजिए. कभी कभी क्या होता है कि आप ये बोल रहा है कि आप 10,000 यूनिट्स किसका बनाओ? ए का बनाओ, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड, दिस इज मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड ए एंड बी. मैक्सिमम डिमांड ए का है 5,000 यूनिट्स, और बी का है 10,000 यूनिट्स. इसका मतलब आप बना सकते हो 10,000, लेकिन मार्केट में डिमांड कितना है? ओनली 5,000. तो पहले हम 5,000 बना लेंगे और अपने पास जो बैलेंस बचेगा उसमें हम ये बना लेंगे. पहले हम ग्रुप वन बना लेंगे. सपोज आपको लगता है आपका ग्रुप वन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, बराबर, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है लॉ का, ऑडिट का, लेकिन कॉस्टिंग आपका बहुत अच्छे से हो गया है. पहले ग्रुप वन दे दो और जो बैलेंस टाइम बचेगा उसमें ग्रुप टू का कॉस्टिंग दे दो. बाकी के 3 पेपर में जाके एग्जाम में बैठ के आ जाओ. आपको 0 मार्क आएगा तो भी आपको एग्जम्पशन तो आ जाएगा ना. एक बार आपका एग्जम्पशन आ गया, 3 पेपर रह गए. तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से आपको प्लानिंग करना है आपका. आपका इस तरह से क्या करना है? आपका इस तरह से आपको प्लानिंग करना है. सही है, सुनोगे? आपको इस तरह से क्या करना है? इस तरह से आपको अपना प्लानिंग करना है. सही है, सुनोगे? परफेक्टली क्लियर होना. ओके, तो इस केस में अभी हम लोग कैसे करेंगे फ्रेंड्स? अगर आपको ये दे रखा है 20,000 आपके पास मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है, 20,000 मैक्सिमम आपके पास आवर्स अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लिमिटिंग फैक्टर. इसको हम क्या बोल देंगे? लिमिटिंग फैक्टर.
20,000 आपके पास आर्स अवेलेबल है, इसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, लिमिटिंग फैक्टर। ये आपका 20,000 आपका लिमिटिंग फैक्टर, और आपका मैक्सिमम डिमांड, आपका मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए एंड बी, ए 5,000 यूनिट्स और बी 10,000 यूनिट्स। आपका ए का डिमांड है 5,000 और आपका बी का डिमांड है 10,000। अब आप क्या करोगे, तो मैंने आपको क्या स्टेप्स लिखाए, 5.36 पे मैंने आपको क्या स्टेप्स लिखाए, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर रैंक फॉर प्रोडक्शन, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप जरा देखते चलिए, 5.36 पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, 5.36 स्टेप नंबर 1 स्टेटमेंट शोइंग contribution per unit per hour rank for production, there are two products A and B, selling price per unit given 100, variable price per unit आपको दे रखा है 100 and 40, ये आपका आ जाएगा contribution per unit 40, 60 divided by Hours per unit is 2 and 4, contribution per hour 20, 15, rank for production पहले ये और फिर ये, सही है सर। स्टेटमेंट शोइंग देखो जरा, पहला आपका स्टेटमेंट शोइंग contribution per unit per hour rank for production A and B, selling price 100 and 100, variable price 60 and 40, contribution 40 and 60। अगर अपने पास कुछ नहीं होता, अगर कोई limiting factor नहीं है, तो हम कौन सा product पहले बनाएंगे, हम पहला product बनाएंगे B, because B is giving you the maximum contribution पर यूनिट, फिर डिवाइडेड बाई आर्स आपको क्या आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, और उसके बेस पे यू गिव द रैंक। देन स्टेप नंबर 2, दिस इज योर स्टेप नंबर 2, सब आपको दे रख लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग production plan, statement showing production plan for maximum profit, first hours available, products, units, hours per unit, total and balance hours, first hours available 20,000। पहले हम क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है ए, ए का डिमांड है 5,000, एक ए को बनाने में 2 hours, कभी भी 5,000 मल्टीप्लाई बाई 2 रहेगा तो 10,000, कभी भी। यू वॉन्ट टू राइट ए नोट फॉर दैट, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4,
5 multiplied by 2 is 10. Similarly, 5000 multiplied by 2 is 10,000. Without calculator, देखो जरा. It means balance बताओ. चलो अब without calculator balance बताओ. 20,000 minus 10,000 आप तक क्या आएगा? 20,000 minus 10,000 आपके पास balance बचा 10,000. ये 10,000. ये B. एक B को बनाने में 4 hours. It means 2,000. अगर आपके पास 20,000 आवर्स अवेलेबल हैं और अगर आपका ये सिचुएशन है और आप इस तरह से प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं तो यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम प्रॉफिट. तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स? बोलो, मैक्सिमम प्रॉफिट. इट मींस ए 5,000, बी 2,500. आप बना दीजिए. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स 5.37 पे. मैंने आपको 5.37 दिस इज स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस products, units, contribution per unit, total contribution, products A, B, units 5000, 2500, ये निकाला था मैंने 5000 and 2500 contribution 40 and 60, 40 rupees, 60 rupees, ye 2 lakhs rupees and ye 1,50,000 total 3,50,000 less fixed cost 0 and your profit and loss is 3,50,000. आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा 3,50,000. सही है सुनो. आर यू फॉलोइंग और नॉट? आपको एकदम प्रॉपरली क्लियर हो रहा है कि नहीं? परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताइए. एक एग्जांपल लीजिए तो आपको क्लियर होगा. इट मींस दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 5.37. क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 5.37. देर आर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. देर आर टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी. सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट एंड मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट आर. सेलिंग प्राइस ए का 2 रुपीज है, बी का 2.5 है. वेरिएबल कॉस्ट ए का 1 रुपी है, बी का 1.5 है. मशीन आवर्स 2 है एंड 1 है. फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट व्हेन द प्लांट कैपेसिटी इज लिमिटेड. प्लांट कैपेसिटी, कैपेसिटी मैंने आपको स्टैंडर्ड में बताया था इज ए आवर्स ओनली. कैसे आप बताएंगे? फाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट व्हेन द प्लांट. आपको ये बताना है कि कौन से प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आएगा. क्या करते थे अपन फ्रेंड्स बताओ? इट मीन्स स्टेप नंबर 1. Number 1, statement showing contribution per unit, per hour and rank for production. Statement showing contribution per unit, per hour and rank for production. Selling price per unit. What is the selling price per unit? 2 and 2.5. Variable price per unit is 1 and 1.5. Contribution per unit is 1
एन वन डिवाइडेड बाय आर्स पर यूनिट इज 2-1 कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर 0.5 एंड 1 इट मीन्स हमारा रैंक 1 एंड रैंक 2 हमारा क्या होगा फ्रेंड्स रैंक 1 एंड रैंक 2 पहले हम कौन सा बनाएंगे बी बनाएंगे फिर हम कौन सा बनाएंगे ए बनाएंगे सही है सुनो पहले हम कौन सा बनाएंगे बी बनाएंगे फिर हम कौन सा बनाएंगे फिर हम ए बनाएंगे सही है सुनो परफेक्टली क्लियर होगा ऑल राइट फ्रेंड्स नाउ यू जस्ट रिफर योर क्वेश्चन नंबर 20 and page number 5.37 the relevant data of x limited for its three products a b and c is as under the relevant data for x limited for its three products a b c is as under direct material aapko de rakha 260 300 250 डायरेक्ट लेबर पर यूनिट आपको दे रखा 130, 270 एंड 260 वेरिएबल ओवरहेड आपको दे रखा 110, 230 एंड 180 सेलिंग प्राइस आपको दे रखा 860, 1040 एंड 930 मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है 12, 6 एंड 3 द एस्टिमेटेड फिक्स्ड ओवरहेड एट फोर डिफरेंट लेवल चार आपके डिफरेंट लेवल है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 The estimated fixed overhead at four different level 3600, 6000, 8400, 8400 and 10800. मशीन आर्स ये आपके मशीन आर्स हैं और इसके ऊपर आपका फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा ₹1,50,000 फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा ₹2,20,000 एंड फिक्स्ड ओवरहेड हो जाएगा ₹3 लाख द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए बी एंड सी मैक्सिमम आप सेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिमांड डिमांड मीन्स मैक्सिमम आपका सेल हो सकता है ए बी एंड सी का इजे 500 यूनिट्स इजे 300 यूनिट्स एंड इजे 1800 units respectively you are required to find out the most profitable product mix at each level the level of activity number 2 the level of activity where the profit would be maximum ye aapke paas hours available hai ye uska fixed overhead hai ye maximum sales hai to humko production plan banana hai to get the maximum profit To get the maximum profit, say yes or no, friends. To get the, मैंने आपको क्या steps लिखाए थे? Step one, statement showing contribution per unit, per hour, rank for production. Okay, पहला आप आ जाइए step number one. This is your solution. आपको दे रखा है page number 5.38 पर. Solution मैंने आपको दिया है page number 5.38 पे. स्टेप नंबर वन योर स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन products a b c selling price per unit
860 1040 930, variable price per unit, direct material, direct labor, variable overhead. Direct material 260, 300, 250, 130, 270, 260, 110, 230, 180. ये आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 860 माइनस 260 माइनस 130 माइनस 110 इज 360. देन 1040 माइनस 300 माइनस 270 माइनस 230 इज 240. 930 माइनस 250 माइनस 260 माइनस 180 इज 240. 360 240 240 डिवाइडेड बाय मशीन आर्स पर यूनिट क्या दे रखा है फ्रेंड्स. अब तुमको मशीन आर्स पर यूनिट इज 12 6 and 3 कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर 30 40 80, रैंक 1 रैंक 2 एंड रैंक 3. सही है सुनो फ्रेंड्स. पहला स्टेप अपना क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन. देयर आर थ्री प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी. आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, वेरिएबल प्राइस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आवर्स पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन. अब ये क्वेश्चन आपके चार क्वेश्चन के बराबर है. जनरली आपको एक ही दिया रहता है रिसोर्स, लेकिन यहाँ पे चार बार उसने बोला है 3600 रहेगा तो क्या, 6000 रहेगा तो क्या, 8400 तो क्या, 10800 रहेगा तो क्या. तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इतने ये आप देख लीजिए. स्टेप नंबर टू दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्स प्रॉफिट. स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्स प्रॉफिट, राइट. सबसे पहले आपका आवर्स अवेलेबल, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं प्रोडक्ट्स, देन यूनिट्स, देन आवर्स पर यूनिट, देन टोटल एंड देन बैलेंस आवर्स. आर्स अवेलेबल प्रोडक्ट्स यूनिट्स आर्स पर यूनिट टोटल एंड बैलेंस आर्स. पहला आपका लेबल में दे रखा है आर्स अवेलेबल टू यू 3600. अब आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या आ रहा है, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है सी, हम बनाएंगे सी. अब ऐसे देखने जाएं तो सी का डिमांड है मैक्सिमम डिमांड 1800. सी का यूनिट्स का 5.37 पे देखो जरा, ये 5.38 पे सॉल्यूशन दे रखा है आपको, पेज नंबर 5.38 पे.
5.37 पे आप दे रखा है, द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए बी सी इन द कॉस्ट पीरियड आर 500, 300 एंड 1800। अब 1800 बनाएंगे, एक सी को बनाने में चाहिए अपने को 3 आवर्स, इट मींस 1800 इंटू 3 हमारे 5400 आवर्स चाहिए। हमारे पास कितने हैं 3600, इट मींस एक यूनिट को बनाने में कितना 3 आवर्स, इट मींस 3 आवर्स टोटल आवर्स अवेलेबल है 3600, इट मींस आपके यूनिट्स बनके तैयार होंगे, आपके यूनिट्स बनके तैयार होंगे 1200 और बैलेंस आपके पास बचेगा 3600 माइनस 3600 हो जाएगा। ये आपका हो गया लेवल वन। सही है, सुनो, दूसरे लेवल में आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि इफ द आर्स इज अवेलेबल टू यू इज 6000, अगर आपको 6000 आर्स अवेलेबल है, पहले सी बनाएंगे, सी का मैक्सिमम सेल हो सकता है 1800 इंटू 3, इट मींस 5400, टोटल आपके पास बचेगा 6000 माइनस 5400, आपके पास बैलेंस बचेगा 600 आर्स, और ये 600 आर्स में, ये 600 आर्स में हम लोग क्या बना लेंगे, हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट। सेकंड प्रेफरेंस किसका आ रहा है, हमको सेकंड प्रेफरेंस आ रहा है बी का, हम लोग बी की यूनिट्स बनाएंगे, बी एक बी को बनाने में आपको कितना टाइम लगता है 6 आवर्स, इट मींस 100 यूनिट्स आपके बन गए, ये आपका 2 हो गया फ्रेंड्स। बोलो तीसरा, अगर आपको दे रखा है टोटल, टोटल आवर्स 8000, पहले C 1800 इंटू 3 5400 लेस 5400 बैलेंस इज 3000। बी के यूनिट से अपने पास 300, एक बी को बनाने में 6 आवर्स, इट मींस 1800 माइनस 1800 आपके पास बैलेंस क्या बचेगा 1200 और ये ए आपका कितना हो जाएगा 12 आवर्स पर यूनिट एंड दिस कम्स टू 100। देन फोर्थ आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 10,000 800 आर सी बी एंड ए, 1800 इंटू 3 इज 5400, 10,800 माइनस 5400 इज 5400, फिर हम क्या बनाएंगे 300 मैक्सिमम बन सकता है इंटू 6 इज 1800, 1800 हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा 3600 में प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक यूनिट को बनाने में 12 आवर्स, इट मींस 300 यूनिट्स ऑफ ए का बन गया। आपका प्रेजेंटेशन इतना प्यारा होना चाहिए, जैसे ही एग्जामिनर ये जो सॉल्यूशन देखेगा, वाइफ को फोन करेगा, फोन करके बोलेगा आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे, वाइफ बोलेगी वाई व्हाट हैपेंड, बोले आई हैव सीन द सॉल्यूशन, आई हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ प्रोफेसर नानी, जिनका दुनिया में इतना नाम है करके, आज मैंने उनका सॉल्यूशन देखा और एग्जाम में आपको 100 में से 100 मार्क्स दे देगा। सही है सुना फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर हो, अगर 3600 रहेगा तो हमको इस तरह से बनाना चाहिए, सेकेंड लेवल 6000, थर्ड लेवल 8400 एंड फोर्थ लेवल 10,800, तो हमको इस तरह से बनाना चाहिए। सही है सुना।
अब आप आ जाइए सेकंड क्या पूछ रहा है, तो ये आपको हो गया आंसर नंबर वन. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स. इट मीन दिस इज योर आंसर नंबर वन, मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स. स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर आप इस तरह से प्लान बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा. अगर 3600 है तो पहले सी बनाइए, 6000 है तो सी बनाइए, फिर बी बनाइए, 8400 तो पहले सी फिर बी फिर ए, 10800 तो सी फिर बी फिर ए. अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपको क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट. फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस. अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहेगा वो आपको बताना है. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, इट मीन्स योर योर आंसर नंबर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा टू. स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट शोइंग मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस. ये आपके पास आर्ट्स प्रोडक्ट्स यूनिट्स कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. आर्स अवेलेबल है अपने पास, पहला है 3600, हम लोग क्या बना रहे हैं सी. सी के कितने यूनिट्स बनाए, 1200 निकाला था ना अपने, 1200 यूनिट्स. एक सी को बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना है, रुपीज 240 इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा. 1200 इंटू 240 इज 288. और अगर अपने पास आर 3600 है तो अपना फिक्स कॉस्ट कितना है, रुपीज 1 लैख. हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 1,88,000. ये आपका पहला. दूसरा आपको बोल रहा है अगर आपके पास 6000 आर्स अवेलेबल है, पहले बनाएंगे सी फिर बनाएंगे बी. सी को बनाने में 1800, बी को बनाने में 100, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 240 और बी का भी कंट्रीब्यूशन 240 स्टेप वन में अपन ने निकाला था. 1800 इंटू 240 इज 4,32,000 एंड देन 100 इंटू 240 इज 24,000. टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 432 + 24 इज 4,56,000. आपका टोटल हो जाएगा 4,56,000. उसमें आपका फिक्स कॉस्ट है रुपीज 1,50,000. माइनस 1,50,000 इज 456 माइनस 150 आपको आएगा 3,06,000. ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स. फिर आप आ जाओ थर्ड लेवल. थर्ड लेवल आपका क्या था, आपके पास आर्स अवेलेबल थे 8400 सी बी एंड ए. सी आपका बनेगा 1800 यूनिट्स, बी आपका बनेगा
300 यूनिट्स और ए आपका बनेगा 100 यूनिट्स इनटू 240 कंट्रीब्यूशन, 240 कंट्रीब्यूशन एंड 360 कंट्रीब्यूशन, ये अपन ने स्टेप वन में निकाला था, ठीक है। 1800 इंटू 240 इज 432,300 इंटू 240 इज 72,100 इंटू 360 इज 36,000। इट मीन्स 432 + 72 + 36 = 540,000। माइनस 220 इज ए फिक्स कॉस्ट, माइनस 220 इज ए फिक्स कॉस्ट इज 320,000। देन फोर्थ इज 10,800 सी पी एन ए, दिस इज 1800, दिस इज 300 एंड दिस इज 300 इंटू 240 इंटू 240 इंटू 360। इट मीन्स 1800 इंटू 240 इज 432,000, 300 इंटू 240 इज 72,000, 300 इंटू 360 इज 1,08,000। ओके, सो 432 + 72 + 1,08,000 is 6,12,000. 6,12,000 minus 3 lakhs is 3,12,000। अब आपको ये बताना है कि आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपका कहाँ पर आ रहा है, मैक्सिमम जो आपका प्रॉफिट है वो आपका कहाँ पे आ रहा है। ये आपका फोर्थ लेवल या आपका थ्री लेवल, मैक्सिमम आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 3,20,000 है और वो कौन से आर्स पे आ रहा है, 8,400। तो अगर आपके पास 8,400 आर्स है, अगर आपके पास 8,400 आर्स है, अगर आपके पास 8,400 आर्स है, आपको क्या आएगा, आपको आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको क्या आएगा, आपको आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट, आपको क्या आएगा इज ए मैक्सिमम प्रॉफिट, सही है सर, आपको क्या आएगा, आपको आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। हो गया क्वेश्चन, इज दिस क्लियर और नॉट, राइट, बताइए आप परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है वीडियो देखने के टाइम तो प्लीज आप मेरे से ले सकते हो, बराबर। पहले अपन ये करेंगे, उसके बाद अपन जो मॉड्यूल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, तो मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको करने के लिए आपको पहले ये हमारे डीकेसी प्लस के जो हर तरह की वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले करने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको ये करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप वो कर पाएंगे, सही है सर, परफेक्टली क्लियर होगा, बताइए आप। ओके, अब मैं आपका लेता हूं क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 5.39, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20 एंड पेज नंबर 5.39, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 5.39, आर यू रेडी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, ये 3 to 4 टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। ओके,
3 to 4 टाइम्स आपके सीए एग्जाम में ही आया हुआ है क्वेश्चन. द डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी. द डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी हैव आस्क्ड फॉर एडवाइस ऑन द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन. प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 20, 60 एंड 40. आपको वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 6, 4 एंड 10. आपको वेरिएबल ओवरहेड दे रखा है 6, 4 एंड 10. डिपार्टमेंट 1, 2, 3 आपका रेट पर आ रहा है रुपीज 1, 2 एंड 1. मतलब आपको आर्स एंड 28, 5 एंड 16. 16, 6 एंड 8. 30, 10 एंड 30. करेंट प्रोडक्शन 10,000, 5,000, 6,000 यूनिट्स. सेलिंग प्राइस 100, 136, 180. फोरकास्ट ऑफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 12,000, 7,000 एंड 9,000. फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम इज रुपीज 4 लाख. फर्दर द टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड बाई डिपार्टमेंट 2 इज इन शॉर्ट सप्लाई. प्लीज अंडरलाइन दैट डिपार्टमेंट 2 आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सप्लाई. शॉर्ट सप्लाई मीन्स योर लिमिटिंग फैक्टर. डिपार्टमेंट टू इज योर लिमिटिंग फैक्टर. शॉर्ट सप्लाई मीन्स लिमिटिंग फैक्टर. फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम 4 लाख. फर्दर द टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड बाई डिपार्टमेंट 2 इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द मैन पावर ऑफ दिस डिपार्टमेंट बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल. अब प्रेजेंट में आपके पास कितने आर्स हैं, प्रेजेंट में आपके पास कितने आर्स हैं, वो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपका प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है. दिस इज योर प्रेजेंट प्रोडक्शन. आपका प्रेजेंट प्रोडक्शन कितना है, आपका प्रेजेंट प्रोडक्शन है 1, 2 एंड 3. प्रेजेंट प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स ऑफ ए, देन 5,000 यूनिट्स ऑफ बी. ये आपका 10,000 यूनिट्स ऑफ ए, 5,000 यूनिट्स ऑफ बी एंड 6,000 यूनिट्स ऑफ सी. और एक यूनिट को बनाने में टू डिपार्टमेंट टू को 5 आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स क्योंकि टू ही तो लिमिटिंग फैक्टर है ना. आपके पास प्रेजेंट प्रोडक्शन हो गया 50,000, देन 30,000 आवर्स एंड देन 60. इट मीन्स आपके पास 1,40,000 आवर्स आपके पास अवेलेबल है किसमें, डिपार्टमेंट 2 में. और उसके सामने आपका मैक्सिमम सेल्स हो सकता है ए बी एंड सी का 12,000, ए का 7,000, बी का और 9,000, सी का 12,000, 7,000 एंड 9,000. और आपका फिक्स्ड ओवरहेड है रुपीज 4 लाख. आगे क्या पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स to be made and sold. The statement which should be presented in two parts should show the profit expected on the current budgeted production. This is one. Two, the profit which could be expected if the most profitable mix is produced. Say yes or no, friends. Bolo. Barabar. So, sabse pehle aap dekh lo, this is your given. सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया है पेज नंबर 5.40 से. 5.40 सबसे पहले आपको दे रखा है फ्रेंड्स. लिमिटिंग फैक्टर आपका क्या है क्वेश्चन में, लिमिटिंग फैक्टर आपका है डिपार्टमेंट 2 because department 2 is in short supply. Limiting factor आपका क्या है, department 2. Okay, then hours available, it means hours available in department 2. Product
current production then hours per unit in department two and this is your total hours. Product कौन कौन से product है आपके पास A B and C units units है आपके पास 10, 5 and 6 10,000, 5,000 and 6,000 into hours per unit 5, 6, 10 this is 50,000 this is 30,000 this is 60,000 50, 30, 60 is 1,40,000 maximum sales maximum possible sales of A, B and C 12,000 7,000 and 9,000 maximum possible sales 12,000 7,000 and 9,000 ये आपको क्लियर हुआ करें फ्रेंड्स लिमिटिंग फैक्टर हमारा क्या रहेगा हमारा लिमिटिंग फैक्टर रहेगा डिपार्टमेंट टू बिकॉज डिपार्टमेंट टू इज इन शॉर्ट सप्लाई आर्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टू आपके पास प्रोडक्ट्स हैं आपका करेंट प्रोडक्शन है आर्स पर यूनिट डिपार्टमेंट टू ए बी एंड सी दिस इज योर यूनिट्स 5, 6 and 10 टोटल इज एंड 1,40,000 मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स है ए का 12,000 बी का 7,000 एंड सी का 9,000 आपको दे रखा है गिवन ऑन 5.4 आपके पास टोटल मैक्सिमम आवर्स कितने अवेलेबल है 140 ये आपका मैक्सिमम सेल्स है और आपका डिपार्टमेंट कौन से में प्रॉब्लम है टू में टू का मैक्सिमम आवर्स आपके पास अवेलेबल है 1,40,000 और आप किस तरह से करेंगे टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने आपको क्या बताया स्टेप्स आपको सेम जी दाने की कॉस्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है इज ए फॉर्मेट कैसा भी क्वेश्चन रहने दो कैसा भी क्वेश्चन रहने दो आपका जो फॉर्मेट पार्ट है आपका जो फॉर्मेट पार्ट है वो क्या रहेगा सेम कैसा भी क्वेश्चन रहने दो आपका जो फॉर्मेट है वो आपका क्या रहेगा सेम देखिए जरा इट मीन्स दिस इज योर स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर रैंक फॉर प्रोडक्शन कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100, 136, 180 व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 100, 136, 180 वेरिएबल प्राइस पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल 20, 60, 40 उसके बाद आपको क्या दे रखा है वेरिएबल ओवरहेड 6, 4 and 10 वो बाद में ले लेते हैं डायरेक्ट लेबर ले लो डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट 1, 2 and डिपार्टमेंट 3 28, 16 and 30 hours 28, 16 and 30 28 hours 16 hours and 30 hours 1 hour का रेट इज रुपीज 1 इट मीन्स 28 rupees 16 rupees and 30 rupees डिपार्टमेंट टू में 2 rupees पर आ रहे 5, 6, 10
2 rupees per hour, it means 20, 12 and 10, 10, 12 and 20. 3, 1 rupee per hour, it means 16 into 1, 16, then 8 into 1 is 8 and 30 into 1 is 30. Then variable overhead. Variable overhead is 6, 4, 10. 6, 4 and 10. Contribution per unit. 100 minus 20, 28, 10, 16 and 6 is 20 rupees per unit. Then 136 minus 60 minus 16 minus 12 minus 8 minus 4 is 36 rupees per unit. Then 180 minus 40 minus 30 minus 20, 180 minus 40 minus 30 minus 20 minus 30 minus 10, 50 rupees per unit divided by hours per unit. डिवाइडेड बाई आर्स पर यूनिट. आर्स आपको दे रखे हैं, कौन से आर से? डिपार्टमेंट टू. कौन से आर से? डिपार्टमेंट टू. 5, 6 and 10. 5, 6 and 10. देन कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर 4, 6 and 5. देन rank for production 1, 2 and 3. Rank for production 1, 2 and 3. अब आप मुझे बताइए फ्रेंड, यहां तक आपको क्लियर हुआ? स्टेप्स आपको सबसे बड़ा, जो मेरे साथ आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन रहने दो, कोई भी क्वेश्चन रहने दो. जब आप मॉड्यूल के सम के लिए, ये मैं आपका बेस बना रहा हूं. डीकेसी प्लस बुक का मतलब है कि पहले आपका मॉड्यूल करने, मॉड्यूल में बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं लेकिन बहुत बहुत ही टफ क्वेश्चन दे रखे हैं. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए इज माय फॉर्मेट. फॉर्मेट में हर एक क्वेश्चन को मैं अपने फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करके दूंगा, तब जाके आपको चीजें क्लियर होंगी. सही है सर, परफेक्टली क्लियर है, ठीक है. इसके बाद हम क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? स्टेप नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्लान फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट. दिस इज योर, मेरा सॉल्यूशन कंटिन्यू होगा पेज नंबर 5.41 पे, राइट. इट मींस स्टेप नंबर टू, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग statement showing production plan for max profit. Statement showing production plan for maximum profit. सबसे पहले hours available, then products, then units, then hours per unit, total and then balance. Hours available 140,000. Hours available 140,000. सबसे पहले हम बनाएंगे B. B की मैक्सिमम यूनिट्स बन सकती हैं 7,000 और एक B को बनाने में 6 आवर्स लगते हैं. एक B को बनाने में 6 आवर्स, इट मींस
टोटल आपका बन जाएगा 42. इट मींस 140 माइनस 42, 140 माइनस 42 इज 98,000. फिर हम लोग क्या बनाएंगे, सी. फिर हम लोग क्या बनाएंगे, सी. एक सी को बनाने में, इट मीन सी का मैक्सिमम डिमांड 9000 यूनिट्स, एक सी को बनाने में अपने को लगते हैं 10 आवर्स पर यूनिट. इट मीन्स टोटल हमारा हो जाएगा 90,000. इट मीन्स माइनस 90,000 आपके पास बैलेंस बचेगा 8,000. और ये 8,000 में हम लोग क्या बना लेंगे, ये 8,000 में हम लोग क्या बना लेंगे फ्रेंड्स, एक ए को बनाने में 5 आवर्स अपने को लगते हैं पर यूनिट. इट मीन्स 1600 यूनिट्स. अगर आप इस तरह से बनाते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, मैक्सिमम प्रॉफिट. सही है, सुनो, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, क्या पूछा है अपने से, अपने से क्या पूछ रहा है ना, पहले फ्रेंड्स वो आप जरा समझ लीजिए क्या अपने से पूछ रहा है. द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑन द करेंट बजटेड प्रोडक्शन. करेंट बजटेड प्रोडक्शन से आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, एंड द प्रॉफिट विच कुड बी एक्सपेक्टेड इफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल. मोस्ट प्रॉफिटेबल आपका ये हो जाएगा. और करेंट में आपका क्या सेल हो रहा था, वो आपको दे रखा है. करेंट में आपका सेल हो रहा था 10,000 ए, 5,000 बी एंड 6,000 सी. सही है, सुनो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर 3 और वो आपका हो जाएगा फाइनल आंसर. स्टेप नंबर 3, statement showing analysis of profit and loss. Okay, answer 1, this is your current budgeted profit and loss, and ये आपका हो जाएगा current budgeted profit and loss, and दूसरा आपका आ जाएगा answer number 2, maximum profit and loss. कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं अपने पास, ए बी एंड सी. ए बी एंड सी, ए का 10,000 यूनिट्स एट प्रेजेंट हम लोग सेल कर रहे थे, क्वेश्चन में देखो फ्रेंड्स. बी का 5,000 हम लोग कर रहे थे एंड सी का हम लोग कर रहे थे 6,000. ओके, और अब हम कर रहे हैं 7,000 बी, 9,000 सी, 1,600 ए. 7,000 बी, ओके, 7,000 बी, 1,600 ए, 1,600 ए एंड 9,000 सी इनटू व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. अपन ने क्या निकाला था देखो जरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपन ने कहा था
total contribution 10,000 into 20, 2 lakhs, 5,000 into 36, 1,80,000, 6,000 into 50, 3 lakhs, 1,600 into 20, 32,000, 7,000 into 36, 52, 9,000 into 50, 450, it means 200, 180, 300 is 6,80,000, and 32, 252 plus 450 is 7,34,000. Then fixed cost 4 lakhs, 4 lakhs, 680 minus 400, 280, 734 minus 400, 6 yes or no? आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए. स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पहले आपने निकाल दिया दिस इज योर करेंट, एट प्रेजेंट कितना कमा रहा था और एट फ्यूचर में कितना कमाएगा, टू, और हमारी वजह से, कंसल्टेंट की वजह से 334. एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, वो है आपका रिवर्स, मतलब जिसमें आपको कैलकुलेशन से सेलिंग प्राइस निकालना है. ओके, जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 5.41. क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 5.41. क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 5.41. हेलो फ्रेंड्स, वी लिमिटेड प्रोड्यूसर्स टू प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू. वी लिमिटेड है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, पी बनाती है और क्यू बनाती है. We Limited produces two products P and Q. The draft budget for the next month is as under. Budgeted production and sales. P का 40,000 units sale हो रहा है और इसका 80,000 हो रहा है. This is your budgeted sales. Selling price आपको दे रखा है. Selling price आपको दे रखा है 25 and 50, right? टोटल कॉस्ट, हाँ ये जरा अंडरलाइन करना है, टोटल कॉस्ट. एग्जाम में आपको ये लगेगा वेरिएबल कॉस्ट, जैसे ही एग्जाम के बाहर आप निकलेंगे तो आपको लगेगा टोटल कॉस्ट. दिस इज टोटल कॉस्ट, प्लीज अंडरलाइन दैट, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट मीन वेरिएबल कॉस्ट 20 एंड 40. टोटल कॉस्ट 20 एंड 40. योर मशीन आवर्स पर यूनिट विल बी 2 एंड 1. मैक्सिमम आपका सेल हो सकता है इजे 60,000 एंड इजे 1 लाख. इसका मतलब एट प्रेजेंट करेंट सेल हो रहा है 40 एंड 80, सेलिंग प्राइस 25, 50. टोटल कॉस्ट ये जरा ध्यान रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट. टोटल कॉस्ट 20 एंड 40, मशीन आवर्स 2 एंड 1, मैक्सिमम सेल्स हो सकता है 60,000 एंड 1 लाख. द फिक्स एक्सपेंस एस्टिमेटेड टू बी 9,60,000 पर मंथ. आपका फिक्स ओवरहेड है 9,60,000 एंड पर एनम 960 पर मंथ 9,60,000 एंड पर मंथ. द फिक्स एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड एट 9,60,000 पर मंथ.
The company absorbs fixed overhead on the basis of machine hours which are fully utilized by the budgeted production and cannot be further increased. इसका मतलब टोटल आपका 960,000 है और वो किससे रिकवर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स. कौन से मशीन आवर्स? द कंपनी एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स विच आर फुल्ली यूटिलाइज्ड बाय द बजटेड प्रोडक्शन. अब देखो बजटेड प्रोडक्शन आपका 40 एंड 80, आवर्स आपके 2 एंड 1. इसका मतलब 40 × 2 80,000 आवर्स और ये आपका 80 × 1 80,000 आवर्स. टोटल मिलके आपके 160,000 आवर्स डिवाइडेड बाई 160, आपका रिकवरी रेट आ जाएगा 6 रुपीज. वेन द बजट वॉज डिस्कस्ड द मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेटेड दैट द प्रोडक्ट मिक्स शुड बी ऑल्टर्ड टू यील्ड द ऑप्टिमम प्रॉफिट. द मार्केटिंग डायरेक्टर सजेस्टेड दैट ही कुड इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट सी ईच यूनिट ऑफ विच टेक्स 1.5 मशीन आवर्स. However, a processing vat involving capital outlay of rupees 2 lakh is to be installed for processing product C. The additional fixed overhead relating to the processing vat was estimated to be 60,000 per month. The variable cost of the product C was estimated at 21. Required. Calculate the profit as per the draft budget for the next month. So, ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है. 40 और 80 में आपका क्या प्रॉफिट है वो आपको निकालना है. रिवाइज द प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन डाटा पी एंड क्यू टू यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट. अगर आप ये बनाते हो तो आपका ऑप्टिमम प्रॉफिट कितना होगा. थर्ड, द कंपनी डिसाइड टू डिसकंटिन्यू ईदर प्रोडक्ट पी और क्यू विच एवर इज गिविंग द लोअर प्रॉफिट एंड प्रपोजेस टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सी इन स्टेड. फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सी इन सच ए वे एज टू यील्ड 15% पर एनम रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड बिसाइड मेंटेनिंग द सेम ओवरऑल प्रॉफिट एज एनविसेज्ड इन सेकंड अबव. देखो वन बाई वन चलते हैं अपन. पहले आंसर 1 और 2 कर देते हैं, बजटेड प्रॉफिट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर अपन 3 का ले लेंगे. पहला, सबसे पहले गिवन, सबसे पहले फ्रेंड्स दिस इज मेरा पेज नंबर 5.42 से सॉल्यूशन आप रेफर करिए. पेज नंबर 5.42 पे आपको सॉल्यूशन है, वहां से आप रेफर करिए फ्रेंड. सबसे पहले योर नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, आवर्स अवेलेबल पर मंथ, आवर्स अवेलेबल, आवर्स अवेलेबल पर मंथ, आवर्स अवेलेबल पर मंथ प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू बजटेड यूनिट्स 40,000, बजटेड यूनिट्स 80,000, आवर्स पर यूनिट 2 एंड 1, एंड ये आपके पास बजटेड आवर्स 80,000, 80,000, 160. सेकेंड योर रिकवरी रेट, इट मीन्स बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स 960,000, बजटेड आवर्स 160, आपका रिकवरी रेट हो जाएगा 6. पी एंड क्यू योर टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ पी एंड क्यू आपको दे रखा है 20 एंड 40, 20 रुपीज पर यूनिट एंड 40 रुपीज पर यूनिट. आउट ऑफ दिस योर वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, पी, पी को बनाने में लगते हैं 2 आवर्स
और एक पी का फिक्स्ड ओवरहेड 6, इट मींस 12 आपका वेरिएबल आ जाएगा 8। इसको बनाने में लगेंगे आपके पास 1 आवर, एक का 6, इट मींस 6 आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 34। सही आंसर आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 34, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सही है, सुनो यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले आपको क्या दे रखा है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दे रखा है आवर्स अवेलेबल पर मंथ, राइट? दिस इज योर नोट नंबर 1, प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू, बजटेड यूनिट्स, देन आवर्स पर यूनिट 2 एंड 1, बजटेड आवर्स एंड रिकवरी डेट, बजटेड ओवरहेड, बजटेड आवर्स दिस इज 6, टोटल कॉस्ट 20 एंड 40, पी एंड क्यू 8 rupees, एंड दिस एंड 34, एंड ये आपको क्लियर हुआ कि ओके? स्टेप्स आपको सेम फॉलो कर रहे हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको लिखा है वही स्टेप आपको फॉलो कर रहे हैं। पहला आपने से क्वेश्चन पूछा क्या है उसने, पहले दो पार्ट तो अपन आराम से कर सकते हैं। क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर द ड्राफ्ट बजट फॉर नेक्स्ट मंथ, ठीक है वो सिंपल है। रिवाइज द प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन डाटा गिवन पी एंड क्यू टू यील्ड द ऑप्टिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन प्लान फॉर दैट। ओके, अब आप आ जाइए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पर आवर एंड रैंक फॉर प्रोडक्शन। कौन कौन से प्रोडक्ट है फ्रेंड्स अपने पास, पी एंड क्यू, उनका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 25 एंड 50, आपका वेरिएबल प्राइस पर यूनिट आ रहा था 8 एंड 34। वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रहा था, 8 एंड 34, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है 25 माइनस 8 इज 17, 50 माइनस 34 इज 16, डिवाइडेड बाय आर्स, आर्स पर यूनिट इज 2, आर्स पर यूनिट इज 1, तो आपका आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर 17 डिवाइडेड बाई 2 इज 8.5, 16 डिवाइडेड बाई 1 इज 16, रैंक फॉर प्रोडक्शन 1 एंड 2, आपका रैंक फॉर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 एंड 2। सही है, सुनो आपका रैंक फॉर प्रोडक्शन हो जाएगा 1 एंड 2। सही है, सुनो देन योर स्टेप नंबर 2, इज दिस क्लियर ऑन नॉट फ्रेंड्स, आपका रैंक ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 1 पहले क्यू बनाएंगे फिर हम पी बनाएंगे, इट मींस स्टेटमेंट शोइंग production plan for maximum profit. Statement showing production plan for maximum profit. सबसे पहले अपने को है आवर्स अवेलेबल पर
products, units, hours per unit, total balance hours, hours available 160,000. पहले हम बनाएंगे Q को. Q का मैक्सिमम यूनिट सेल हो सकता है 1 लाख, 1 × 1 कभी भी रहेगा, 1 लाख × 1, 1 लाख. दिस इज 160 माइनस 1 लाख इज 60, ए 60, ए 60. देन P बनाएंगे, एक P को बनाने में 2, इट मीन्स 30,000 आवर्स. ये आपका क्या होगा, ऑप्टिमम प्रॉफिट यहां पे आपको आ जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट द ऑप्टिमम प्रॉफिट आपको मिल जाएगा. सही है सुना. इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा ऑप्टिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा अगर आप क्यू बनाते हैं 1 लाख और ये बना, और ये प्रूफ भी हो जाएगा, अभी आपको पता भी चल जाएगा करके ना. तो अपने से क्या पूछ रहा है पहला, सबसे पहला क्वेश्चन आप जरा देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं. पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन आप जरा देख लीजिए. कैलकुलेट द प्रॉफिट एज पर द ड्राफ्ट बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और रिवाइज द प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड ऑन डाटा पी एंड क्यू टू यील्ड द ऑप्टिमम प्रॉफिट. ये आपका ऑप्टिमम प्रॉफिट हो जाएगा. इट मीन दिस इज योर स्टेटमेंट, statement showing analysis of profit and loss. Statement showing analysis of profit and loss. Okay. आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2. कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट, दिस इज योर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये ऑप्टिमम प्रॉफिट एंड लॉस. ऑप्टिमम इज मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस. कौन कौन से प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, पी एंड क्यू. एट प्रेजेंट हम लोग कितना बेच रहे थे, 40,000 ऑफ पी, 40,000 यूनिट्स ऑफ पी एंड 80,000 यूनिट्स ऑफ क्यू. फ्यूचर में हम क्या बेचेंगे, 30,000 यूनिट्स ऑफ पी, 1 लाख यूनिट्स ऑफ क्यू. Into what is the contribution per unit, 17 and 16. Contribution per unit अपन ने क्या निकाला था, step 1 में 17 and 16. ये आपका क्या हो जाएगा, total and contribution. 40,000 into 17 is 6,80,000. 30,000 into 17 is 5,10,000. 80,000 into 16 is 12,80,000 and 16 lakhs. 680 plus 1280 is 19,60,000. 510 plus 1600 is 21,10,000 less fixed cost. Fixed cost is 9,60,000. और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस. 1960 minus 960 is
10 lakhs and 2110 minus 960 is 11 lakh. बोलिए फ्रेंड्स, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 और आपका आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2। स्टेप नंबर 3, आंसर नंबर 1 एंड आंसर नंबर 2 सही है सुनो फ्रेंड्स। यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पी एंड क्यू, एट प्रेजेंट हम लोग ये सेल कर रहे थे, फ्यूचर में हम ये करेंगे। देखो प्रॉफिट बढ़ गया ना आपका, 10 लाख से हो गया 11 लाख। तो प्रेजेंटेशन मतलब हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार एक ही फॉर्मेट में जा रहा है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गोइंग इन द सेम फॉर्मेट। ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, सही है सुनो। ये आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपको परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप मुझे बताइए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी नाइस पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड आंसर। द कंपनी डिसाइड टू डिसकंटिन्यू ईदर प्रोडक्ट पी और क्यू विच एवर इज गिविंग द लोअर प्रॉफिट एंड प्रपोजेस टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सी इन स्टेट। ये बोल रहा है कि भाई P और Q दोनों में से एक को कट करो और उसकी जगह क्या बनाओ, C। P और Q को कैसे कट करेंगे कि जिसका सबसे कम प्रॉफिट आ रहा है उसको हम कट कर देंगे। अब देखो सबसे कम प्रॉफिट आपका कहाँ आ रहा है, P दे रहा है आपको 8.5 और Q आपको दे रहा है 16 रुपीज पर आर। इसका मतलब P आपको कम दे रहा है तो आपको क्या करना है, P को कट कर दो आप। द कंपनी डिसाइड टू डिसकंटिन्यू, द कंपनी डिसाइड्स टू डिसकंटिन्यू ईदर प्रोडक्ट पी एंड क्यू विच एवर इज गिविंग द लोअर प्रॉफिट एंड प्रपोजेस टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट सी इन स्टेट। फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इन सच अ वे, फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सी इन सच अ वे एज टू यील्ड 15% पर एनम ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिसाइड्स मेंटेनिंग द सेम ओवरऑल प्रॉफिट एज एनविसेज्ड इन सेकेंड एवर। आप पी को कट करिए, देखो द मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर ने क्या बोला था, द मार्केटिंग डायरेक्टर सजेस्टेड ही कुड इंट्रोड्यूस ए प्रोडक्ट सी ईच यूनिट ऑफ विच टेक्स 1.5 मशीन आवर, हाउएवर ए प्रोसेसिंग वेट इन्वॉल्विंग कैपिटल आउटले ऑफ ₹2 lakh इज टू बी इंस्टॉल्ड फॉर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट सी। द एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग वेट वॉज एस्टिमेटेड टू बी 60,000 पर मंथ। The variable cost of the product C was estimated to be 21 rupees per unit। देखो P को कट करो आप और P की जगह आप क्या बनाओ, C। अब देखो at present हम P कितना बना रहे हैं, at present हम लोग P बना रहे हैं 30,000। तो अगर आपने 30 को कट किया तो आपके आर्स कितने सेव हो जाएंगे, 60,000। देखो जरा, इट मीन्स कैसे करेंगे फ्रेंड्स, दिस इज योर कट डाउन प्रोडक्ट पी, पेज नंबर 5.43 पे आप सॉल्यूशन देखिए, कट डाउन प्रोडक्ट पी, कट डाउन प्रोडक्ट पी बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर, बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर, कट डाउन प्रोडक्ट पी बिकॉज मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर एंड सेव द आवर्स, एंड सेव द आवर्स। इट मीन्स पी को कट किया तो पी के कितने यूनिट्स बन रहे थे, 30,000 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स पर यूनिट, इट मीन्स कितने यूनिट्स बन जाएंगे, 60,000 आर सेव हो जाएंगे। अब ये 60,000 में आपको बनाना है सी, 60,000
एक सी को बनाने में 1.5 आवर्स, इट मींस आपकी यूनिट्स बनकर तैयार हो जाएंगी 40,000 यूनिट्स, आपकी 40,000 यूनिट्स बनके तैयार हो जाएंगी। सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके। अब आपको बताना क्या है, द कंपनी डिसाइड टू डिसकंटिन्यू इधर प्रोडक्ट पी और क्यू विच एवर इज गिविंग द लोअर प्रॉफिट एंड प्रपोजेस टू सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट सी इन इट, फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सी इन सच ए वे एज टू यील्ड 15% पर एनम रिटर्न ऑन एडिशनल कैपिटल एम्प्लॉयड बिसाइड मेंटेनिंग द सेम ओवरऑल प्रॉफिट इन सेकेंड अबव। सेकेंड में अपने को प्रॉफिट क्या आया था, सेकेंड में अपने को प्रॉफिट आया था 11,50,000, तो 11,50,000 तो प्रॉफिट चाहिए, 11,50,000 का तो मेरे को प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, प्लस मेरा जो 2,00,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर भी मेरे को 15% रिटर्न चाहिए। तो कैसे करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ सी, स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ सी। देखो आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं क्यूब एंड सी, क्यूब की 1,00,000 यूनिट्स और सी की 40,000 यूनिट्स, ओके। ये सॉल्यूशन आपको दे रखा है पेज नंबर 5.44 पे, ओके। इनटू पहले आप ले लो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसका वेरिएबल कॉस्ट 21 क्वेश्चन में दे रखा है और इसका तो 34 अपन ने कैलकुलेट किया ही था, इट मींस 34 लाख रुपीस एंड 8,40,000, देन फिक्स कॉस्ट 960, देन एडिशनल फिक्स कॉस्ट 60,000, देन प्रॉफिट इन सेकेंड 1,150, देन एडिशनल प्रॉफिट 2,00,000 इंटू 15% इंटू 1/12 इज 2,500। ये आपका सेल्स वैल्यू हो जाएगा, सेल्स ऑफ पी सॉरी क्यू एंड सी का सेल्स वैल्यू आपका हो जाएगा, इट मीन्स 34 लाख प्लस 8,40,000 प्लस 960 प्लस 60 प्लस 1,150 प्लus 2,500, 64,12,500। उसके दो पार्ट, एक आपका है क्यू 1,00,000 यूनिट्स, उसका सेलिंग प्राइस अपने को पता है 50 कम्स टू 50 लाख एंड बैलेंसिंग फिगर इज 14 लाख, बैलेंसिंग फिगर 14,12,500 डिवाइडेड बाय 40,000 यूनिट्स माइनस 50 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 35.3125। सही है, सुनो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए आप प्लीज। स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग प्राइस ऑफ सी। अब हम लोग के, क्योंकि हम लोगों ने पी को तो कट कर दिया, पी को कट करके ही तो हम लोगों ने बनाया, ये पी को कट किया, क्यों पी को कट किया, बिकॉज उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर कम आ रहा था, पी को कट किया, पी की जगह सी बनाया, सी के 40,000 यूनिट्स बने, ओके।
1 लाख यूनिट आपके Q 40,000, ये 3421, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट, ये आपका एडिशनल फिक्स कॉस्ट, ये आपका प्रेजेंट प्रॉफिट, ये आपका एडिशनल प्रॉफिट, ये आपका टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में से क्यू का निकाल दिया तो बाकी का जो बचा वो आपका किसका हो गया, इस बाकी आपका जो बचा वो आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, सी का सेलिंग प्राइस। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। सी की एक यूनिट को अगर 35.3125 में बेचते, सी की एक यूनिट को 35.3125, तो आपको 1150 का प्रॉफिट मिल ही जाएगा, प्लस एडिशनल प्रॉफिट 2500 मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराता हूं कि अगर अपने पास मिनिमम यूनिट्स का कमिटमेंट है, जैसे हम लोग अपना प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, पूरे साल का चार्ट बनाते हैं कि भाई हमारे पास कितने आर्स अवेलेबल हैं और हमको क्या करना चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इंस्टीट्यूट को देते हैं। भाई इंस्टीट्यूट का भी तो 10-20-25 घंटे आपको लेना पड़ेगा लेक्चर जाके, क्योंकि वहां से नाम रुतबा ICI अपनी माँ है वो अपने को मिलता है। ओके, फिर हम तो इस तरह से अगर मिनिमम कमिटमेंट वाला रहेगा या कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है कुछ है तो क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से हम कैसे बनाएंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। ओके, होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ओके, फॉर्मेट आप बराबर से समझिए तो आपका काम हो जाएगा। ओके।